अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। अच्छा जी, आज के व्लॉग में हम गए थे हवेली रेस्टोरेंट, जो कि लाहौर का बहुत मशहूर तरीन रेस्टोरेंट है और ये बादशाही मस्जिद के ऑपोजिट साइड पे है। तो बेसिकली मेरे नाना बू जो हैं वो पहले हवेली रेस्टोरेंट गए हैं एक बार, तो उन्होंने बहुत ज़्यादा तारीफ़ की थी कि इसका जो है ना खाना और मतलब ओवरऑल जो है ना रेस्टोरेंट बहुत ज़्यादा अच्छा है। तो हमने सोचा कि मेरी प्री बर्थडे जो थी वो सेलिब्रेट कर सेलिब्रेट करनी थी, तो हमने सोचा क्यों ना जो है हम हवेली रेस्टोरेंट जाएंगे, क्योंकि बहुत से लोगों की इसकी तारीफ सुनी थी। और इसके अलावा बहुत से फॉरेनर्स जो हैं वो यहाँ पे आके जो है ना पाकिस्तानी क्यूजीन के डिफरेंट खाने टेस्ट करते हैं। और वैसे भी हिस्टोरिकल जो है ना इस प्लेस की बहुत ज़्यादा अहमियत है, क्योंकि इसके साथ ही बादशाही मस्जिद और साथ ही मीनार पाकिस्तान भी है। और इसका जो है ना आर्किटेक्चर बाहर से ही बहुत ज़्यादा जो है ना प्यारी थी, और अंदर तो उससे भी ज़्यादा प्यारी थी। और हमारे घर से ये तकरीबन 30 मिनट जो है ना दूर है, और हम इजीली पहुंच गए थे। मतलब कि ये नहीं कि ज़्यादा दूर नहीं है, बस पास ही है। उसके अलावा फिर हमने जो है ना सबसे पहले जो है ना इसके सामने जो है ना नियोन साइना हवेली, वो काफ़ी एस्थेटिक है और वहाँ पे लोग खड़े होकर पिक्चर्स भी खिंचवाते हैं, हमने भी खिंचवाई थी। इसके अलावा यहाँ पे वेटिंग रूम है, अगर मतलब कि सैटरडे संडे रश ज़्यादा, वो जो है उनका स्टाफ आपको कहता है कि आप यहाँ पर बैठ के वेट करें, जब कोई भी टेबल फ्री होगा तो वो जो है ना आपको खुद ही कहते हैं कि आप यहाँ पर चल जाएँ। इसके अलावा रेस्टोरेंट में आपके पास दो ऑप्शन होते हैं कि आपने आउटडोर जाना है या फिर आपने इनडोर एयर कंडीशनर से बैठे। हमने जो है ना आउटडोर प्रेफर किया था। इसके अलावा जो है ना आप रिज़र्वेशन भी करवा सकते हैं, अगर आपको पता हो कि रश ज़्यादा है तो आप आने से पहले रिज़र्वेशन करवा सकते हैं। इसके अलावा वहाँ का स्टाफ बहुत अच्छा था और कहते हैं, और इसके अलावा उन्होंने बहुत ज़्यादा हम्बली हमें जो है ना वेलकम किया था। और आप देख सकते हैं कि बिल्कुल रेस्टोरेंट के सामने ही आपको सारी बादशाही मस्जिद नज़र आती है, जो कि बहुत अच्छी बात है। इसके अलावा रेस्टोरेंट के अंदर एक म्यूज़ियम भी है, जहाँ पे आपको पुराने चीज़ें नज़र आएंगी जो कि पाकिस्तानी सकाफत के साथ उनका लिंक है। और अब ये जो रेस्टोरेंट है ना दो भाई ऑन करते हैं, पहले इसका ऑनर कोई और होता था। इसके अलावा हमने खाने में स्टेक, तवा चिकन और कढ़ाई और क्वार्टर सब्जी मंगवाई थी, और ट्रस्ट मी टेस्ट बहुत अच्छा था। लेकिन ये कि रायता और सैलड जो थे ना वो थोड़ी सी एक्सपेंसिव थी। इसके अलावा जो है हम वापसी जब हम ऊपर जाना था 4th फ्लोर पे, तो हम लिफ्ट के थ्रू गए थे, और वापसी जो है ना हम स्टेयर्स के थ्रू गए थे ताकि हम इसका इंटीरियर और अच्छी तरह से देख सकें। और बिलीव मी, इसकी जो हाइप है वो वर्थ इट है, क्योंकि ये रेस्टोरेंट अपने आर्किटेक्चुरल पॉइंट ऑफ व्यू और अगर इसका इंटीरियर भी देख लिया जाए तो ये बहुत ज़बरदस्त है। आप प्लीज़ अगर जाएँ तो लाहौर आएँ तो प्लीज़ रिकमेंडेड है आप एक दफ़ा ज़रूर विज़िट करें, क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा मज़ा आया था। इसके अलावा आपको सामने बादशाही मस्जिद जो नज़र आती है ना वो प्लस पॉइंट है इस रेस्टोरेंट का। उम्मीद है कि आपको आज का व्लॉग पसंद आया हो। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।